बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर ऑनलाइन लेसन फॉर द कोर्स अलजबरा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम बात करेंगे परमुटेशंस की, कि परमुटेशंस क्या होती हैं। और परमुटेशंस को समझने के बाद फिर हम परमुटेशन ग्रुप्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट आर द सिमेट्रिक ग्रुप्स, और आखिर में हम बात करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ डिग्री एन, जिनको एस एन से डिनोट किया जाता है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट फैमिली ऑफ ग्रुप्स है। तो आज का जो लेसन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये परमुटेशन से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन की डेफिनेशन से। परमुटेशन क्या होती है? A bijective function from a set X to itself is called a permutation of X. किसी भी सेट X से उसी सेट में ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो उसको हम नाम देते हैं परमुटेशन का। और मुझे उम्मीद है कि आपको बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन आती होगी। और परमुटेशन जो होती है वो फाइनाइट सेट की भी हो सकती है, इनफाइनाइट सेट की भी हो सकती है। तो आइए अब हम परमुटेशंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम सेट लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्मॉल एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और हम आसानी से ड्रॉ करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसलिए फिर हम इस फंक्शन को नाम देंगे कि ये फंक्शन इस सेट की, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स की एक परमुटेशन है। ठीक है, किसी भी सेट की बहुत सी परमुटेशन हो सकती हैं, लेकिन ये उनमें से एक परमुटेशन है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखिए, द फंक्शन स्मॉल जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ए परमुटेशन ऑफ आर, ये परमुटेशन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन वन टू वन नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आप इस फंक्शन को टू पे अप्लाई करें या माइनस टू पे अप्लाई करें, ये आपको सेम आंसर देगा। तो ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता, यानी वन टू वन नहीं होता, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए परमुटेशन ऑफ आर। तो ये तो थी कुछ एग्जाम्पल्स, इसमें हमने इनफाइनाइट सेट लिया हुआ था। अब एक फाइनाइट सेट के लिए देख लेते हैं। एक फाइनाइट सेट लेते हैं जिसमें चार एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर, और एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं इस सेट से। इसी सेट में ये फंक्शन का डिफाइनिंग रूल क्या है? ये वन को वन पे मैप कर सॉरी वन को टू पे मैप करता है, टू को थ्री पे, थ्री को फोर पे, और फोर को वन पे। और आप इसको आसानी से एरो डायग्राम से ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन को फिर हम कहेंगे कि दिस इज ए परमुटेशन ऑफ दिस सेट। जो इनफाइनाइट सेट्स के की परमुटेशन होती है ना, उनको हम किसी फार्मूले से डिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली आप बुक्स में भी देख सकते हैं या जो भी आपका पहला नॉलेज है उसके मुताबिक। लेकिन जो फाइनाइट सेट्स की परमुटेशन है उनके लिए रूल जरूरी नहीं होता। उनके लिए उनको आप किस तरह डिफाइन करते हैं, आप एलिमेंट्स का इमेज स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पे मैप होगा। इस तरह से आप फंक्शंस को डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट्स के लिए। ठीक है, फाइनाइट सेट्स के फंक्शन को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप हर एलिमेंट का इमेज स्पेसिफाई कर देंगे कि ये एलिमेंट इस पे मैप होगा। और अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं फाइनाइट सेट्स के लिए। ये एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है बीटा फ्रॉम वन टू थ्री फोर टू इटसेल्फ, और ये फंक्शन क्या करता है? वन को टू पे मैप करता है, टू को वन पे, थ्री को फोर पे, और फोर को टू पे। तो यकीनन आपको नजर आ गया होगा कि ये फंक्शन वन और फोर को सेम एलिमेंट पे मैप कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ए परमुटेशन ऑफ दिस सेट। यस, तो इस तरह से परमुटेशन क्या होती है? किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन को हम नाम देते हैं परमुटेशन का, और वो बाइजेक्टिव फंक्शन उस सेट से उसी सेट में होना चाहिए। फ्रॉम द सेट एक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने परमुटेशन को डिफाइन किया है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, और इन एग्जांपल्स को देख के उम्मीद है कि हमें समझ आ गई होगी कि परमुटेशंस होती क्या है।
अब हमने क्या करना है कि ये जो परमुटेशंस का जो सेट होता है, हमने देखना है ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता, और अगर बनता है तो कैसे बनता है। इनफैक्ट जो परमुटेशंस होती हैं ये फंक्शंस ही होते हैं ना, तो अब हम फंक्शंस का सेट लेके उसको ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि ये परमुटेशंस का सेट ग्रुप कैसे बनता है। तो अब हम चलते हैं, आपने बहुत से ग्रुप देखे होंगे कि जिनके एलिमेंट्स फंक्शन होते हैं, फंक्शंस के भी ग्रुप होते हैं, तो इसलिए हम मूव करेंगे फंक्शंस की तरफ। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताई जा रही है फंक्शंस के बारे में, जो यकीनन आपने रियल एनालिसिस के कोर्स में भी पढ़ा होगा फंक्शंस क्या होते हैं, कैलकुलस के कोर्स में भी आपने फंक्शंस को तफसील से पढ़ा होगा। तो ये सिर्फ आपको रिवाइज करवाई जा रही है कुछ बातें। तो हम रिकॉल करते हैं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, गिवन फंक्शंस स्मॉल एफ कोई फंक्शन है एक्स से वाई में और जी कोई फंक्शन है वाई से जेड में, तो इनको कंपोज कैसे किया जाता है, इनकी जो कंपोजिशन होगी उसको लिखते हैं जी सर्कल एफ। ये सिंबल जो सर्कल का सिंबल है ये कंपोजिशन के लिए यूज होता है वोमन, और बास बुक्स में सिंप्लिसिटी के लिए इसको डॉट भी लिख दिया जाता है, लेकिन इनफैक्ट दिस इज ए स्मॉल सर्कल विच डिनोट्स द कंपोजिशन ऑपरेशन। तो कंपोजिशन किस तरह होगी, ये कंपोजिशन एक्स से जेड में जाएगी, यानी पहले हम एक्स से वाई में जाएंगे फिर वाई से जेड में, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करें तो जो कंपोज करके हमें फंक्शन मिलेगा वो एक्स से जेड में जाएगा। और ये फंक्शन अप्लाई किस तरह होगा, पहले ये फंक्शन हम जो है एक्स के एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे, एक्स के एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो स्मॉल एफ पहले अप्लाई होगा, और फिर बाद में जब स्मॉल एफ अप्लाई कर देंगे तो आंसर वाई में चला जाएगा और फिर फंक्शन जी उस पर अप्लाई होगा। तो इस तरह ये फंक्शन डिफाइन है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी पहले जो फ्रंट पे लिखा होगा वो पहले अप्लाई होगा, ये स्मॉल एफ जो है ये लिखने में देखें फ्रंट पे आ रहा है इसलिए ये पहले अप्लाई होगा, और डायग्राम में ये बैक पे काम कर रहा है, यानी इस फंक्शन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, पहले आप हमारा एफ अप्लाई होगा फिर जी अप्लाई होगा, इसीलिए एफ को फ्रंट पे लिखा जाता है। तो ये कंपोजिशन की वेल नाउन डेफिनेशन है जो आप कैलकुलस में या एनालिसिस के कोर्स में पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम फंक्शंस को कंपोज करते हैं और कंपोज करके हमें एक और फंक्शन मिल जाता है। अब अगली एक प्रॉपर्टी है कंपोजिशन की कि जो फंक्शंस को हम कंपोज करते हैं तो उनका ये जो कंपोजिशन का ऑपरेशन होता है ये एसोसिएटिव होता है, यानी बेशक आप पहले कोई भी तीन फंक्शन ले लें एफ जी एंड एच, एफ जो एक्स से वाई में, जी वाई से जेड में और एच जेड से डब्ल्यू में, तो इन तीनों को जब आप कंपोज करेंगे, बेशक पहले आप जी और एफ को कंपोज करें जो रिजल्ट आएगा उसको एच के साथ कंपोज कर लें, या आप पहले एच और जी को कंपोज कर लें जो रिजल्ट आएगा उसको फिर एफ के साथ कंपोज कर लें, तो दोनों फंक्शंस का वर्किंग रूल सेम होगा, यानी दोनों फंक्शंस एक जैसा काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि फंक्शंस की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन का जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है और वो एसोसिएटिव होता है, फंक्शंस की कंपोजिशन एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करती है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ से आगे आइडेंटिटी की बात आती है ना, हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि फंक्शंस का सेट ग्रुप कब बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेट फिक्स करते हैं फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, दिस ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन दैट इज स्मॉल सर्कल इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू एक्स। ये कौन सा सेट हमने लिया है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स, इसमें वो तमाम फंक्शंस हैं जो एक्स से एक्स में डिफाइन हो सकते हैं, इसमें सिर्फ परमुटेशंस नहीं है, इसमें हर तरह के फंक्शन है, किसी भी सेट एक्स से उसी सेट एक्स में जितने भी फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं वो सारे के सारे इस सेट में पड़े, और इस सेट के ऊपर अगर हम कंपोजिशन का ऑपरेशन यूज करें तो कोई भी दो फंक्शन लेंगे उनको कंपोज करके जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट में होगा, फिर वो ऑपरेशन जो होगा एसोसिएटिव भी होगा और फिर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, यानी जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो इस सेट के अंदर आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा, तो इस देयरफॉर ये जो सेट होगा ये मोनॉइड बन जाएगी।
अब मोनाइड क्या होती है? मोनाइड ऐसे अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को कहते हैं जो जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे और आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो। ऐसे अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को मोनाइड का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं है। ग्रुप में तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है ना इनवर्स वाली, तो अगर उसमें आखिरी प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए तो सिर्फ आइडेंटिटी तक हम जाएं तो ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को मोनाइड कहते हैं। तो ये जो फंक्शंस का सेट है फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ, ये मोनाइड बनता है, ग्रुप नहीं बनता। और आगे अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शंस के इनवर्स की। ये सेट जो था जो पिछली स्लाइड में नजर आ रहा है, ये ग्रुप नहीं बनता क्योंकि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इनवर्स का क्या मतलब होता है? फंक्शन एफ प्राइम इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ इफ इनको कंपोज करें तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। ऐसे फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं और हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यही वजह है कि ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट ग्रुप नहीं बनता क्योंकि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाए तो फिर वो यूनिक होता है और उसको F-1 से डिनोट किया जाता है। और इनवर्स फंक्शन के बारे में ये एक बड़ा फेमस थ्योरम है, इसको इन्वर्शन थ्योरम कहते हैं। इन्वर्शन थ्योरम हमें ये बताता है कि कोई भी फंक्शन ले लें, जो मर्जी, हर फंक्शन की बात हो रही है एक्स से वाई में, इस फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यानी अगर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, अगर बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट। तो ये हमें पता चला कि हर फंक्शन का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, इनवर्स तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा इस इन्वर्शन थ्योरम को अगर हम अपने जेन में रखें तो फिर हमें ये बात पता चलती है कि परमुटेशन से होती हैं उनका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि परमुटेशन भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि द परमुटेशन ऑफ ए सेट एक्स आर द सेम एज इन्वर्टिबल फंक्शंस इन एफ ऑफ एक्स। तो परमुटेशंस इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो परमुटेशंस होंगी, जो बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमें पहले इंफॉर्मेशन ये मिली कि सिर्फ उन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव हो, यानी कि जो परमुटेशंस हो। परमुटेशन बाइजेक्टिव फंक्शन को कहते हैं ना। तो परमुटेशन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इफ इस थ्योरम की वजह से। ठीक है, कि बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देयर फॉर इस सारी डिस्कशन से ये नतीजा निकला कि अगर हम किसी सेट में सारी परमुटेशंस डाल लें तो फिर वो जरूर ग्रुप बन जाएगा क्योंकि परमुटेशंस का जो सेट होता है उनका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो सारे बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं सिमेट्रिक ग्रुप का। ठीक है, तो दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर हम फंक्शंस का सेट लें एक्स से एक्स में, तो जिसको हमने एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया था, ये ग्रुप नहीं बनता। लेकिन इसके अंदर अगर इसका एक सबसेट ले लिया जाए, ऐसे फंक्शंस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो ग्रुप बनेगा और वो वही फंक्शन होंगे जो बाइजेक्टिव होंगे, यानी के जो परमुटेशन होंगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप को। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? ये परमुटेशंस का, ये सारी परमुटेशंस का ग्रुप होता है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। ठीक है, यहाँ पे ऑल का वर्ड इम्पोर्टेंट है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें एक्स, और एक्स से एक्स में जितने भी परमुटेशन है ना, तमाम परमुटेशंस का एक सेट बना लें और वो सेट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप को हम नाम देंगे सिमेट्रिक ग्रुप का ऑन एक्स, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एस वाई एम ऑफ एक्स है। इस सिंबल का मतलब है सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एक्स। इसके अंदर तमाम परमुटेशन होती हैं, ऑल परमुटेशन फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ। तो एक्स की तमाम परमुटेशन का जो सेट होता है उसको हम नाम देते हैं, वो ग्रुप बन जाता है। एक्स की तमाम परमुटेशंस का सेट ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एक्स, और डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब हम बात करते हैं परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। अगर किसी भी ग्रुप में एनी ग्रुप हुज एलिमेंट्स आर परमुटेशंस ऑन ए सेट विद कंपोजिशन एज द ऑपरेशन इज कॉल्ड ए परमुटेशन ग्रुप ऑन एक्स।
अगर किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स अगर परम्यूटेशंस हों, तो हम उस ग्रुप को कहते हैं ये परम्यूटेशन ग्रुप है। जरूरी नहीं है कि उसमें तमाम परम्यूटेशन हों, उसमें बेशक थोड़ी परम्यूटेशन हों, अगर वो ग्रुप बनता है तो उसको हम परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। जैसे यही बात इस रिमार्क में लिखी गई है कि ये जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा ये भी एक परम्यूटेशन ग्रुप है, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स भी परम्यूटेशन होते हैं। इन जनरल ए परम्यूटेशन ग्रुप ऑन एक्स नीड नॉट कंटेन ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ एक्स। इस रिमार्क में ये बताया गया है कि जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है उसकी क्या डेफिनेशन है, कि वो ऐसा ग्रुप है कि उसके मेंबर्स परम्यूटेशंस में से होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी परम्यूटेशन ही आ जाए, बेशक उसमें सारी ना भी आए फिर भी हम उसको परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप ऑन एक्स नीड नॉट कंटेन ऑल ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर जनरल लीनियर ग्रुप लिया जाए GL2R, इसके अंदर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स सजेस्ट करता है। और जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते हैं ना, ये फंक्शंस का काम भी करते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, तो इसलिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो असल में परम्यूटेशन ही हैं, तो इसको भी हम परम्यूटेशन ग्रुप कह सकते हैं। जो जनरल लीनियर ग्रुप है इसको भी हम परम्यूटेशन ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट मैट्रिसेस हैं और हर मैट्रिक्स एक फंक्शन होता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में। हर 2x2 मैट्रिक्स जो होगा वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक फंक्शन होगा, और क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यही वजह है कि ये फंक्शन, ये जितने भी मैट्रिसेस होंगे ये इन्वर्टिबल फंक्शंस होंगे। तो हर हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि इन्वर्टिबल फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही चीज़ होती है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस ग्रुप इज अ परम्यूटेशन ग्रुप। लेकिन इसमें आर स्क्वायर की तमाम परम्यूटेशंस नहीं है, और भी बहुत सी परम्यूटेशन हैं आर स्क्वायर की जो इससे बाहर हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन परम्यूटेशन का ग्रुप क्या होता है, एनी ग्रुप हुज एलिमेंट्स आर परम्यूटेशन इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप। बेशक उसमें थोड़ी सी परम्यूटेशन आए, बेशक उसमें सारी आ जाए, अगर उसके एलिमेंट्स परम्यूटेशन है तो उसको परम्यूटेशन ग्रुप का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी डेफिनेशंस के बारे में। अभी तक हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन की है, कुछ एग्जाम्पल्स देखी हैं इन्फिनिट सेट की और फाइनाइट सेट के ऊपर, फिर हमने कंपोजिशन की बात की, एसोसिएटिव लॉ, और फिर हमने देखा कि फंक्शंस का सेट जो होता है ये ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इन्वर्स सिर्फ उस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव हो। यही वजह है कि अगर हम सारी परम्यूटेशंस ले लें तो वो लाजमी ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। और सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है ये एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स परम्यूटेशन होते हैं। और जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है, ज़रूरी नहीं है उसमें तमाम परम्यूटेशन आए। तो ये अभी तक हमने डिस्कशन की है, और इस एग्जांपल से भी हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ, सिमेट्रिक ग्रुप एस एन ऑफ डिग्री एन। अब हम बात करेंगे, ये पहले वाला भी सिमेट्रिक ग्रुप था। सिमेट्रिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन है, सिमेट्रिक ग्रुप की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, कोई भी सेट ले लें, नॉन एम्प्टी सेट लेके उसकी तमाम परम्यूटेशंस का जो कलेक्शन होगी, वो जो ग्रुप बनेगा उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहा जाएगा। इसमें एक्स कोई भी सेट हो जाता है, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे मैं फाइनाइट सेट ले लूँ, फर्ज करें एन एलिमेंट्स का, तो फिर ये वाला जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन, और उसको फिर एस एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे यही बात की गई है कि इफ एक्स इज ए फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट्स, वी कैन लेबल द एन एलिमेंट्स। हम एन एलिमेंट्स को 1, 2, 3 अप टू एन इस तरह भी लेबल कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में फिर जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा उसकी तमाम परम्यूटेशंस का, यानी इस सेट की तमाम परम्यूटेशंस का जो ग्रुप बनेगा उसको कॉमनली डिनोट किया जाता है एस एन से, एंड इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। इसको कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। इसमें तमाम परम्यूटेशंस होती हैं ऑन एन सिंबल्स, ऑन एन लेटर्स। तो इस ये बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है, ये ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं दूसरी फील्ड्स में। सिमेट्रिक ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप को डिनोट किया जाता है एस एन। तो सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है वैसे ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट सेट का ही हो, हर सेट का सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसकी तमाम परम्यूटेशंस का ग्रुप। लेकिन अगर
एक्स हम फाइनाइट सेट ले लें, फर्ज करें उसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसकी जो परमुटेशंस का ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन डिनोटेड बाय एस एन। तो अब हम एस एन की बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इस ग्रुप के देखेंगे इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी गिवन है कि एस एन जो ग्रुप है इसके एलिमेंट्स परमुटेशन है, लेकिन फाइनाइट सेट की परमुटेशन है, ये इन्फिनिट सेट की परमुटेशन नहीं है, ठीक है। और जैसे कि शुरू में बताया था कि फाइनाइट सेट्स की परमुटेशन को आप जब डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो आप एलिमेंट्स के इमेजेस की मदद से डिफाइन कर सकते हैं कि फलां एलिमेंट फलां पे मैप होगा, फलां एलिमेंट फलां पे मैप होगा, एंड सो ऑन। तो यही वजह है कि एस एन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो असल में एक परमुटेशन होगी किस सेट की, इस सेट की, 1 2 3 अप टू एन, इस सेट की जो परमुटेशन होगी, यानी इस सेट से इसी सेट में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा वो एस एन का एलिमेंट होगा। एन एलिमेंट ऑफ एस एन कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड इन टू रो फॉर्म एज फॉलो। इसको टू रो फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें पहली रो में डोमेन के एलिमेंट आएंगे और दूसरी रो में रेंज के एलिमेंट आएंगे। ये वन के नीचे एफ ऑफ वन का मतलब है कि वन के नीचे हम एफ का इमेज लिखेंगे, वन जिस पे भी मैप होगा। टू के नीचे हम टू का इमेज लिखेंगे, थ्री के नीचे एफ ऑफ थ्री यानी थ्री का इमेज लिखेंगे, एन के नीचे एन का इमेज लिखेंगे। तो ये एक परमुटेशन को डिस्क्राइब करने का मेथड है। फाइनाइट सेट की परमुटेशंस को इस तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि हम हर एलिमेंट के नीचे उसका इमेज लिख देते हैं और इसको देख के पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस पे मैप हो रहा है। तो ये तो था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। मिसाल के तौर पे जो ये एक एग्जांपल हमने शुरू में कंसीडर की थी परमुटेशन की, अगर हम ये एक परमुटेशन लेते हैं जो वन को टू पे मैप कर रही है, टू को थ्री पे, थ्री को फोर पे और फोर को वन पे, तो इसको टू रो फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस पर इस फंक्शन को, इस बाइजेक्टिव फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वन जो है वो टू पे मैप हो रहा है, वन के नीचे हम टू लिखेंगे, टू थ्री पे मैप हो रहा है, टू के नीचे थ्री, थ्री के नीचे फोर और फोर के नीचे वन। इसी तरह से अब हम आगे सीखेंगे कि दो परमुटेशंस को, फाइनाइट सेट्स की परमुटेशन को कंपोज करने का क्या तरीका होगा, कौन सा आसान तरीका है जिसको यूज करके हम फंक्शंस को, परमुटेशंस को कंपोज कर सकते हैं। और ये बातें आप इससे पहले छोटी क्लासों में बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, मेथड की बुक में ये आपने पढ़ा होगा कि परमुटेशंस को कंपोज कैसे करते हैं। मिसाल इस एग्जांपल से बात समझाइए, फर्ज करें अगर एक परमुटेशन ये है अल्फा और एक बीटा, ये एस फाइव के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये फाइव एलिमेंट्स की परमुटेशन है तो ये एस फाइव में होंगी। तो अल्फा कंपोजिशन बीटा को किस तरह कंपोज करेंगे, पहले अल्फा लिखेंगे, फिर सर्कल, फिर बीटा, फिर इक्वल का निशान लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, ये बात याद रखिएगा, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो राइट साइड पे पहले हम देखेंगे वन किस पे मैप हो रहा है, वन जो है वो मैप हो रहा है फाइव पे, और फिर हम फाइव को इसमें देखेंगे कि फाइव किस पे मैप हो रहा है वन पे। तो आप अल्टीमेटली वन जो है वो वन पे मैप हो रहा है। मसलन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि वन किस पे मैप हो रहा है, ठीक है, तो वन जो है वो फाइव पे मैप हो रहा है और फाइव जो है वो किस पे मैप हो रहा है, वन पे। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चला, आप वन से फाइव पे गए और फिर फाइव से वन पे, तो अल्टीमेटली आप वन से वन पे पहुंच गए। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, वन को वन पे मैप कर देंगे। फिर आप टू को देखेंगे, टू से आप फोर पे जाते हैं, यानी कि टू से आप फोर पे जाएंगे और फोर को फिर इधर देखेंगे कि फोर इधर किधर जा रहा है, फोर इधर फाइव पे जा रहा है, तो आप फिर फोर से फाइव पे चले गए। तो अल्टीमेटली आप टू से फाइव पे पहुंच गए हैं, तो टू के नीचे फिर आप फाइव लिखेंगे। इसी तरह आप देखेंगे थ्री के नीचे वन है और वन को इसमें देखेंगे, वन के नीचे टू है, तो यहाँ पे फिर आप थ्री से टू पे पहुंच गए। इसी तरह ये मुकम्मल कर लेंगे। तो ये तरीका है इनको कंपोज करने का। और ये बात याद रखें, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आना होता है, ठीक है। कुछ जो है थोड़े बहुत आथर ऐसे हैं कि वो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका ये है कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ कंपोज करते हैं। पहले राइट साइड वाली परमुटेशन में देखते हैं कौन किस पे मैप हो रहा है, फिर जो आंसर आता है उसको लेफ्ट साइड वाली में देखते हैं, ठीक है।
ये तो था इनको कंपोज करने का तरीका। इसके बाद हम बात करेंगे कि परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे, नहीं सॉरी, इनवर्स से पहले पावर कैसे लेनी है। पावर भी कंपोजिशन से लेंगे कि अल्फा स्क्वायर का मतलब है अल्फा को दो दफा कंपोज करें, क्यूब का मतलब है आप तीन दफा कंपोज करें, या आप अल्फा स्क्वायर को अल्फा से कंपोज कर लें, एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो है, यानी असल में जो जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब ये होता है अल्फा डॉट अल्फा। तो असल में सिंपलिसिटी के लिए कंपोजिशन को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं अल्फा बीटा लिखा हो या अल्फा सर्कल बीटा लिखा हो तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी हम सर्कल की जगह डॉट भी लगा लेते होते हैं। तो ये था इनको पावर लेने का तरीका। उसके बाद अगली बात हम करेंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। फर्ज करें आपके पास कोई परम्यूटेशन है चार एलिमेंट्स की, ये एक एग्जांपल की मदद से तरीका समझाया गया है। फर्ज करें ये परम्यूटेशन है 1 2 3 4, इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे और 4 1 पे। तो इसका इनवर्स जो होगा वो कौन सी परम्यूटेशन होगी, उसमें भी आप 1 2 3 4 लिख लेंगे। फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे इसमें नीचे से ऊपर की तरफ देखें, 1 के ऊपर क्या है 4, तो 1 4 पे मैप हो गया। 2 के ऊपर क्या है 1, तो आप इधर 2 के नीचे 1 कर देंगे। फिर 3 के नीचे क्या है 2, 3 के ऊपर 2 है तो इधर 3 के नीचे 2 आएगा इधर। फिर 4 के ऊपर 3 है तो इधर 4 के नीचे। यानी आसान लफ्जों में इसको आप रिवर्ट कर देंगे, इसकी ऊपर वाली रो नीचे लिख लेंगे और नीचे वाली रो ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप उल्टा देंगे इस परम्यूटेशन को। तो ए परम्यूटेशन गिवन है, इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, और जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो उसमें 1 4 पे मैप होगा, क्योंकि 1 के ऊपर 4 है। जब आप इनवर्स लेंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे कौन किस पे मैप हो रहा है। इनवर्स लेते हुए आप लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर आप देखेंगे 1 के नीचे क्या आना है, तो आप 1 के ऊपर इधर देखेंगे 4 आ गया। फिर आप देखेंगे 2 के ऊपर क्या है 1, तो इधर 1 लिख लेंगे। 3 के ऊपर क्या है 2, तो इधर 2 लिख लेंगे। 4 के ऊपर क्या है 3, तो इधर 3 लिख लेंगे। इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। और ये तो सारी थी डिस्कशन। अब हम आते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3 की तरफ। तो SN वाली जो फैमिली है उसमें अगर आप N चेंज करते जाएं तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते जाएंगे। N की वैल्यू अगर जैसे कि डेफिनेशन में गिवन है, यहाँ पे आप देखें कि अगर x के अंदर n एलिमेंट्स हों तो जो ग्रुप बनता है उसको SN से डिनोट करते हैं। अगर x में 2 एलिमेंट हैं तो ये S2 बनेगा, x में 3 एलिमेंट है तो ये S3 बनेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो S3 की हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसको स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं, यानी जितने भी नॉन अबिलियन ग्रुप हैं उनमें ये सबसे छोटे साइज का ग्रुप होता है। यानी इससे छोटे साइज का जो भी ग्रुप होगा वो अबिलियन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं S3 क्या है। S3 बाई डेफिनेशन क्या होगा, S3 इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ ए सेट विद 3 एलिमेंट्स। और 3 एलिमेंट्स की परम्यूटेशंस को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। एक परम्यूटेशन तो होगी 1 1 पे मैप, 2 2 पे और 3 3 पे। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाएगी, ये वाली परम्यूटेशन आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाएगी। इसी तरह इस परम्यूटेशन में क्या हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे। फिर आप 1 को 3 पे मैप कर लें, 2 को 1 पे और 3 को 2 पे। इसमें हम 3 को फिक्स कर लेते हैं और 1 को 2 पे भेज देते हैं, 2 को 1 पे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 को फिक्स कर लेते हैं 1 3 पे और 3 1 पे। और इसमें हम 1 को 1 पे भेज देते हैं, यानी 1 फिक्स हो गया, 2 3 पे और 3 2। इस तरह ऑल पॉसिबल जो परम्यूटेशन हैं वो सारी की सारी हमने फाइंड कर ली, वो यही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगी। इन सारी परम्यूटेशन को एक सेट में बंद कर देंगे और ये ग्रुप बन जाएगा S3। और इसका ऑर्डर कितना होगा, 6। और इसमें अगर आप नोट करें, अगर आप एक ये वाली परम्यूटेशन लेते हैं 1 2 3 और 2 3 1, एक ये वाली परम्यूटेशन अगर लें साल के तौर पे, अगर आप एक ये परम्यूटेशन लेते हैं और एक फर्ज करें ये वाली ले लेते हैं, इन दोनों को अगर आप कंपोज करें, फर्ज करें इसको लेफ्ट पे लिखें इसको राइट पे, तो कंपोज करके ये आंसर आएगा आप जो भी तरीका है। और अगर आप ऑर्डर चेंज करें, इसको लेफ्ट पे ले आए इसको राइट पे ले आए, तो फिर आंसर चेंज आता है और ये दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे। तो इससे ये नतीजा निकला कि ये ग्रुप अबिलियन नहीं है, S3 इज नॉन अबिलियन, ठीक है।
अगर आपको किसी भी ग्रुप में एक भी ऐसा पेयर मिल जाए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए किसी एक भी पेयर के लिए, तो वो ग्रुप अबिलियन नहीं रहता। तो इस इन दोनों एलिमेंट्स को हमने दोनों तरफ से कंपोज करके देखा, ऐसे और भी बैड पेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक ही पेयर से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये अबिलियन नहीं है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करके देखें तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि S3 इज नॉन अबिलियन, ये ग्रुप अबिलियन नहीं है और ये स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप है। और इस ये आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है कि ये 6 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है इसका कैले टेबल बनाना है। आपने टेबल बनाना है, उसमें 6 एलिमेंट रो में 6 कॉलम में, और कंपोजिशन को यूज करके इसका कैलेस टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो और इसके बाद और अब हम क्या करेंगे, जो ग्रुप एस एन है इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला थ्योरम है, इस थ्योरम में हमने ये बताना है कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। जैसे ये पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ पे S3 था तो ऑर्डर 6 आ गया। अगर 3 की जगह 4 लगा देंगे या 2 लगा देंगे या 5 कोई और नंबर, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा। ये तो चलें थोड़े से एलिमेंट थे हमने काउंट कर लिए, लेकिन इसका जनरल हमें फार्मूला भी मिल सकता है। इसका क्या फार्मूला है कि जो ऑर्डर ऑफ एस एन होता है वो एन फैक्टोरियल होता है, यानी कि अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसकी कितनी परमुटेशन होंगी, उसकी एन फैक्टोरियल परमुटेशन होंगी। ठीक है, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी 3 फैक्टोरियल यानी 6 परमुटेशन होंगी। अगर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसकी 4 फैक्टोरियल यानी 24 परमुटेशन होंगी। और इस चीज को आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। वो किस तरह, हम कोई परमुटेशन लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस एन। तो इन जनरल ये हमने एक आर्बिट्ररी परमुटेशन ली और हम देखते हैं इस अल्फा को किस तरह लिखा जा सकता है। अल्फा को हम लिख सकते हैं पहली रो में तो 1, 2, 3 अप टू एन आएगा, 1 के नीचे 1 का इमेज, 2 के नीचे 2 का इमेज, 3 के नीचे 3 का इमेज एंड सो ऑन, एन के नीचे एन का इमेज। अब हमने ये जो नीचे वाली रो है ना, इसमें इन प्लेसेस को फिल करना है, और फिल कहाँ से करना है, इसी सेट एक्स में से। हमारे पास यहाँ पे सेट कौन सा है, सेट जो है वो एक्स इक्वल टू, यानी कि सेट की ये परमुटेशन है, ये हमारे पास 1, 2 अप टू n एलिमेंट्स का ये सेट है, ये इसकी परमुटेशन है। और इसमें ये है कि इसको हमने ये सेकंड रो को फिल करना है इसी सेट में से, क्योंकि फंक्शन x से x में है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। इधर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड सो ऑन, यहाँ पे n चॉइसेस हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर n चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 1। उसके बाद जब अल्फा ऑफ 1 की वैल्यू हमने चूज कर ली, कोई ना कोई वैल्यू तो देंगे ना, फर्स्ट करें 10 देते हैं या 11, कोई वैल्यू जब फिक्स हो जाएगी फिर 2 उस पे मैप नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जब 1 का इमेज डिसाइड हो गया, वंस अल्फा ऑफ 1 हैज बीन डिटरमिन्ड देयर आर, तो 2 के लिए फिर एक चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि 2 अब फिर यहाँ उस एलिमेंट पे मैप नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स कि अल्फा ऑफ 1 और अल्फा 2 ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो अल्फा ऑफ 1 तो चूज कर लिया यहाँ से, अब अल्फा ऑफ 2 के लिए एक चॉइस कम हो गई है। सो वंस अल्फा ऑफ 1 हैज बीन डिटरमिन्ड देयर आर n माइनस 2 चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 2, और आफ्टर चूजिंग अल्फा 2 वी हैव n माइनस 2 चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 3। यहाँ पे पहले n चॉइसेस हैं, फिर ये फिक्स हो गया, फिर यहाँ पे चॉइस एक कम हो गई, फिर यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे n माइनस 2 एंड सो ऑन, इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो टोटल चॉइसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय फर्स्ट काउंटिंग प्रिंसिपल, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इन सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल। तो इससे प्रूफ हो गया इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n फैक्टोरियल होगी। तो इसके बाद हम आज के लेसन का जो है वो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, वो क्या है। उसमें हम प्रूफ करेंगे कि द ग्रुप एस एन इज नॉन अबिलियन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3, यानी एन की वैल्यू अगर 3 या उससे ज्यादा हो तो ये ग्रुप नॉन अबिलियन होगा। अगर एन की वैल्यू 2 लेंगे 1 लेंगे तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, अगर एन की वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे जो कि
कम्यूट करेंगे, लेकिन अगर एन थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी ले लें तो फिर ये ग्रुप नॉन अबेलियन होगा। इसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ इसका शुरू करते हैं, लेट एन स्टार्ट फ्रॉम थ्री। अगर हम कोई दो परमुटेशन, अब एन जो है वो थ्री से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो सेट है जिसकी परमुटेशन इसमें पड़ी है उसकी लेंथ कम अज कम थ्री जरूर होगी, उसमें कम अज कम तीन एलिमेंट जरूर आएंगे क्योंकि एन थ्री से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इस तरह की कोई दो परमुटेशन चूज करें अपनी मर्जी से, हम क्या करें, वन टू थ्री अप टू एन, वन को फिक्स कर दें, टू को थ्री पे भेज दें, थ्री को टू पे, और बाकियों को फ्री छोड़ दें, बाकी जो मर्जी हो, बाकियों का हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और परमुटेशन बीटा ले लेते हैं, वो वन टू पे भेज देते हैं, टू थ्री पे, थ्री वन पे, और बाकी सारी। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप यही लें, आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आप बेशक इसमें टू को फिक्स कर लेते हैं या थ्री को फिक्स कर लेते हैं, तो एक फिक्स वाला ले लें और एक बगैर फिक्स वाला ले लें, ठीक है, ये ट्रिक है। तो इसके बाद फिर जब आप अल्फा कंपोजिशन बीटा को देखेंगे, वो बीटा कंपोजिशन अल्फा के इक्वल आता है कि नहीं आता, और हम प्रूफ कर देंगे कि ये इक्वल नहीं आते। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है अबेलियन नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जो कम्यूट नहीं करते तो ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएगा। हमें सबको चेक करने की जरूरत फिर नहीं है नॉन अबेलियन के लिए, एक भी बैड एग्जांपल काफी होगी। तो हम क्या करते हैं, अल्फा ये चूज करते हैं और बीटा ये, और जब इसको कंपोज करके इसको वन पे अप्लाई करेंगे तो ये पहले बाय डेफिनेशन पहले बीटा वन पे अप्लाई होगा। तो बीटा वन को किस पे मैप करता है, टू पे, तो बीटा वन की जगह टू लिख लेंगे और फिर अल्फा अप्लाई करेंगे तो अल्फा टू को कहाँ भेजेगा, थ्री पे, तो फाइनल आंसर थ्री आ गया। अल्फा कंपोजिशन बीटा ने वन को थ्री पे मैप किया। इसी तरह जब आप बीटा कंपोजिशन अल्फा अप्लाई करेंगे, ऑर्डर चेंज करके बीटा पहले लिखेंगे, फिर पहले अल्फा अप्लाई होगा, वो वन को वन पे रखेगा और बीटा फिर वन को टू पे भेज देगा। तो आपने देखा है कि ये जो एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, अल्फा कंपोजिशन बीटा एक फंक्शन ही है ना, ये वन को किस पे मैप करता है, थ्री पे, और जो बीटा कंपोजिशन अल्फा है ये वन को किस पे मैप करता है, टू पे। तो इन दोनों फंक्शंस का काम सेम नहीं है, ये इनका काम डिफरेंट है। यानी अल्फा कंपोजिशन बीटा वन को थ्री पे भेज रहा है और ये फंक्शन वन को टू पे भेज रहा है। इससे हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन होंगे, ये सेम नहीं हो सकते। तो हेंस दिस इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल्स टू थ्री। तो इससे ये चीज प्रूफ होगी। अब आपने इसके बाद क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको दो परमुटेशन गिवन है, आपने अल्फा इनवर्स कंप्यूट करना है, अल्फा क्यूब, बीटा कंपोजिशन अल्फा और अल्फा कंपोजिशन बीटा। इसी तरह फिर सेकंड क्वेश्चन में आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, आपने इसकी पावर्स लेनी है और देखना है किस पावर पे आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी परमुटेशन की क्या निशानी है, जैसे आपने ये वाली जो परमुटेशन है ना, आइडेंटिटी होगी जिसमें सारे फिक्स हों, वो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने पावर्स लेते जाना है और वो जो लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आए वो बतानी है कौन सी होगी, वो इसका ऑर्डर होगा। फिर आपने ये कंस्ट्रक्ट के केले टेबल फाइंड करना है और फिर एंड पे क्या करना है, जिस तरह एस थ्री के हमने सारे एलिमेंट लिखे थे बाय चॉइस, इसमें सिक्स पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसी तरह आपने क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज यूज करके एस फोर के एलिमेंट्स लिखने हैं जितने भी होंगे। तो एस फोर जो ग्रुप है उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। यानी आपने क्या करना है कि आपने S4 को इस तरह से लिखना है, यानी S4 इक्वल टू इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारी परमुटेशन लिखनी, जैसे वन टू थ्री फोर, एक परमुटेशन तो ये होगी इसमें, ठीक है, आइडेंटिटी है जो, इसी तरह और भी होंगी, वो सारी लिखनी है, इसको मुकम्मल करना है। तो ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद इसमें ये रेफरेंसेस हैं, ये दोनों बुक्स मैंने यूज की है, मटेरियल यहाँ इन दोनों बुक से लिए। तो यहाँ पे हम ये लेसन जो है वो क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम ये लेसन क्लोज करते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए।